नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे में टिकट को लेकर। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि रेलवे ने एक और बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप इन दिनों ट्रेनों में टिकट को कैंसिल करवाने के विचार सोच रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो ज़रा रुकिए। ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने से पहले आपको इस खबर को ज़रूर सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे टिकट कैंसिल करवाने पर अब आपको पैसे देने होंगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कंफर्म टिकट के कैंसिल करवाने पर आपको अलग से कैंसिलेशन चार्ज देना होगा, जो कि आपसे टिकट कैंसिल करवाने के जुर्म के तौर पर लिया जाता है। रेलवे की तरफ से जारी नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कंफर्म टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे कैंसिलेशन चार्ज पर अब आपको GST देना होगा। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई सर्विस आप लेते हैं और उसे कैंसिल करवाते हैं तो आपको उसके एवज में चार्ज देना होता है। ऐसे में रेलवे टिकट कैंसिल करवाने पर भी उसी तरह की स्थितियां बनती है और आपको अलग से GST चार्ज देना होगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगर कोई भी सामान खरीदते हैं और जब उसे कैंसिल कर देते हैं तो उस दौरान आपसे सेवा कर लिया जाता है। इसी तरह से अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपसे सेवा कर लिया जाएगा, यानी कि आपसे GST की वसूली की जाएगी। इसलिए अगर आपका टिकट कन्फर्म है तो उसे कैंसिल करवाने से पहले एक बार ज़रूर विचार कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक मोटी रकम आपकी जा सकती है। आपको बता दें कि जब आप रेलवे में टिकट की बुकिंग जब आप करवाते हैं तो उस समय आपके किराए के साथ साथ 5% का GST लगता है, यानी कि देना पड़ता है। लेकिन जब आप उस टिकट को कैंसिल करवाने जाएंगे तो आपको कैंसिलेशन चार्ज के साथ 5% का GST देना होगा। आपको बता दें कि इस तरह का यह नियम पहले से ही एयर टिकट और होटल आदि की बुकिंग के दौरान जो है वो लगता रहा है। अगर आप होटल या फिर हवाई जहाज़ की यात्रा के लिए टिकट लेते हैं और उसे कैंसिल करवाते हैं तो उस समय भी आपको टिकट लेते समय और कैंसिल करवाते समय दोनों ही स्थितियों में आपसे GST वसूला जाता है। ऐसे में अब रेलवे ने भी यह नियम लागू कर दिया है। GST का यह नया नियम अब यात्रियों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। ऐसे में अब लोगों को टिकट लेते समय ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम यात्रा पर जाएँ तभी टिकट लें। इतना ही नहीं, अगर आप पानी और बिजली का बिल लेट से जमा करते हैं तो इस समय भी आपसे GST की वसूली की जाएगी। जब हम रेलवे में टिकट की बुकिंग करवाते हैं तो उस दौरान रेलवे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेवा देता है। बता दें कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपसे GST भी लिया जाता है। इस नियम के अनुसार अगर आप टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी भी यात्री से उतना ही GST लेने का अधिकार है जितना कि वो टिकट कटवाते समय GST देता है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि वेटिंग टिकटों पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा और यहाँ पर भी आपसे GST की वसूली नहीं की जाएगी। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं इस श्रेणी में आपको कितना देना होगा किराया। सफ़र के दौरान जो है कई अलग अलग श्रेणियों में लोग सफ़र करते हैं, तो ऐसे में रेलवे ने यह भी बताया है कि किस श्रेणी में आप सफ़र कर रहे हैं तो कितना किराया आपसे जो है GST के रूप में और कैंसिलेशन चार्ज के साथ वसूला जाएगा। अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप जो है समय से 48 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपसे जो है टिकट AC फर्स्ट क्लास में है तो आपसे 250 रुपया लिया जाएगा, यानी कि देना होगा। अगर आप टिकट आपका जो टिकट है वो AC 2 टीयर और फर्स्ट क्लास में है तो आपको 200 रुपये देने होंगे कैंसिलेशन चार्ज के रूप में। AC 3 टीयर में है तो AC चेयर कार में है तो या फिर 3 इकोनॉमी में है तो आपको 180 रुपये का किराया देना होगा। वहीं अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास में है तो आपको 120 रुपया देना होगा। अगर आप द्वितीय श्रेणी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 60 रुपया देना होगा। यानी कि अब रेलवे आपसे टिकट कैंसिल करवाने पर भी बोझ डालेगी, आपसे जो है GST के रूप में 5% वसूली करेगी। तो ये थे रेलवे से जुड़ा हुआ नियम। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।